एसिडिटी एक आम समस्या है जिसे एसिड रिफ्लेक्स या हर्ट बर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके सीने के पीछे तेज जलन या दर्द का एहसास होता है। एसिडिटी तब होती है जब गैस्ट्रिक एसिड यानी स्टमक में मौजूद एसिड किसी कारण से इसोफेगस या ऊपर की तरफ आ जाती है। इस वीडियो में हम एसिडिटी होने के कुछ प्रमुख कारणों की बात करेंगे और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ों को भी जानेंगे जो आपके एसिडिटी को खत्म करने में मददगार होती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी का सबसे प्रमुख कारण गलत खाना खाने की आदत होती है, यानी अगर आप ज़्यादा मसालेदार तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड या ऑयली फूड खाते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी पीने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे पेन किलर या एंटीबायोटिक्स भी एसिडिटी को बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करके आपको राहत पहुंचाती हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आंवला को रख सकते हैं। आंवला एक तरह का नेचुरल एंटासिड होता है जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके अलावा ये डाइजेशन के प्रोसेस को ठीक करके बॉडी से टॉक्सिन्स को भी निकालने में मदद करता है। आप आंवला के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके पाउडर को भी सुबह शाम एक चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आंवला का मुरब्बा भी इस्तेमाल करने से एसिडिटी और डाइजेशन दोनों में सुधार होता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जीरा को रख सकते हैं जो एसिडिटी और डाइजेशन से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। जीरा में मौजूद एसेंशियल ऑयल्स पेट के एसिड को बैलेंस करते हैं। ये पेट के इन्फ्लामेशन और इरिटेशन को भी कम करता है। जीरा के इस्तेमाल से एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ जाता है जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को सुधारने में मदद करता है। आप एक चम्मच जीरे को रात में पानी में भिगा कर रख दें और सुबह उस पानी को पी सकते हैं। इसके अलावा जीरा पाउडर को गर्म पानी के साथ लेने से भी एसिडिटी में राहत मिलती है। एसिडिटी की समस्या को ठीक करने में सौंफ आपकी मदद कर सकती है। सौंफ में कूलिंग इफेक्ट होते हैं जो पेट की जलन और एसिडिटी को कम करते हैं। इसमें मौजूद कार्बिनेटिव प्रॉपर्टीज आपकी ब्लॉटिंग की समस्या को दूर करने में मददगार होती है। आप डेली सुबह में जीरे के पानी की तरह सौंफ के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सौंफ को मिश्री के साथ भी खा सकते हैं। अदरक अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है जो एसिडिटी की समस्या को दूर करने में बहुत ही लाभकारी होता है। अदरक में पाए जाने वाले गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज आपके पेट को सुरक्षित रखते हैं, पेट की जलन और एसिडिटी को कम कर देते हैं। आप अदरक को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अदरक की चाय पी सकते हैं, अदरक का रस निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या अदरक का पाउडर भी गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। एसिडिटी की समस्या को ठीक करने वाली चीज़ों की लिस्ट में पाँचवें नंबर पर इलायची को रख सकते हैं जो एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है। इलायची के इस्तेमाल से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, पेट की जलन और एसिडिटी कम होती है, गैस और ब्लॉटिंग की समस्या भी दूर होती है। आप एक या दो दाने इलायची के चबाकर खा सकते हैं। इसके पानी को सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इलायची की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची और अदरक को मिक्स करके पाउडर बनाकर गर्म पानी के साथ भी डेली सुबह में ले सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। उम्मीद है कि वीडियो में बताए गए एसिडिटी को दूर करने वाले इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका इस्तेमाल करते वक्त इसकी क्वांटिटी का खास ख्याल रखें। क्वांटिटी ज़्यादा होने से आपको नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो तो कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।